हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रदिया ऑफिशियल जोन। तो नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के यहाँ पे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। एंड वक्त पर अगर वे वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसको ज़रूर कीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म। तो होपफुली यहाँ पे तीन दिख रहा होगा कि आप लोगों को प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा को संक्षिप्त में बताना है। तो एग्जाम में जो आता है बेसिकली एक या दो ही पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे तीनों ही लिख दिए, तो इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज़ नॉलेज, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज, और ये वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो उसे ज़रूर करके जाइएगा। मैंने लास्ट आप लोगों की मैराथन निकाली थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने नॉलेज की भी सिंगल वीडियो है, ज़्यादा कुछ आपको सर्च नहीं करना है। बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस का प्ले लिस्ट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसमें आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी वीडियोज़ एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आपको सर्च करने की नीड नहीं होगी। एक ही प्ले लिस्ट में आप लोग यहाँ पर 70 to 75 वीडियोज़ हैं, उसमें आप लोग अपने बीएड सेकेंड ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैराथन है, प्रीवियस ईयर के विद आंसर है, वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट आप लोगों के जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की वीडियो है वो जल्द अपलोड करूँगी, बाकी जो मैंने अपलोड कर दी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिटेल द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि भाषा क्या है उसकी प्रकृति और विशेषता बतानी है। होपफुली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज स्किल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, उसके टाइप्स बताने हैं, मिथ बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट में बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आता है तो मिथ बेस्ड बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड से पहले नॉलेज का पूछ लिया जाता है, एंड देन आपके इसके डिफरेंशिएट करने को बोल सकते हैं। तो ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैंने वीडियो बनाई है, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। राइटिंग स्किल क्या होती है, यानी कि लेखन कौशल के बारे में बताने हैं, और इसमें बताना है कि बच्चों के लेखन का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो होपफुली राइटिंग स्किल के बारे में पूरा टॉपिक कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का एक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों में बेनिफिट करेगा। तो करिकुलम वाले टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा। करिकुलम वाले टॉपिक में आपका एक आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हिल्डा टाबा मॉडल, यानी हिल्डा टाबा के प्रतिमान के ऊपर, तो इसको आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट करने वाला है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में आपको अंतर बताना है, यानी कि ज्ञान और सूचना के बारे में, तो उसको करके ज़रूर जाइएगा। एंड देन आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बट यहाँ पे आएगा रीडिंग स्किल, यानी कि आपकी भाषा कौशल क्या है, पठन कौशल के प्रकार को विस्तार से आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन को करना। स्कीमा थ्योरी काफ़ी हद तक है रीडिंग स्किल में आई जाती है। एक यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेशली लिख दिया है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप यहाँ पे 11 क्वेश्चन देख सकते हैं कि नॉलेज और नोइंग, यानी कि ज्ञान और जानना क्या होता है, इसके सोर्सेज आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। ये भी आप लोगों के लॉन्ग में आने के चांसेस हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि लॉन्ग में अगर आपको आएगा तो नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर ये भी पूछने के बाद मिथ बेस्ड और लॉजिकल बेस्ड के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये एड ऑन कर दिया है। होपफुली एंड वक्त पे अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि 60 to 70, ये भी मैंने कम बोला है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, 60 to 70% ईजिली आ जाएंगे अगर सिर्फ इन टॉपिक को भी करके आप एग्ज़ाम में चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी PDF मैं आप लोगों को बताना भूल गई, PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके।